हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सितंबर महीने में हम कौन कौन सा विंटर फ्लावर सीड ग्रो कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक पे आज बात है। इससे पहले जो जो मेरे चैनल पे नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में मैं बोलना चाहूँगी विंटर फ्लावर में पिटूनिया। पिटूनिया के बिना तो विंटर गार्डन ही अधूरी रहते हैं, और इसमें जो है कलर वैरायटी बहुत रहते हैं, बहुत सारा कलर इसमें मिल जाते हैं देखने के लिए। तो आप लोग जो है पिटूनिया का सीड्स जो कलेक्ट करके आप लोग रखे हैं विंटर में, तो वो सब अभी ये सितंबर महीने में आप जो है सीडलिंग अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छे से ये जो है और विंटर में अच्छे फ्लावर देंगे। इसके अलावा आप जो है जेरेनियम का अगर सीड्स अगर रखे हैं कलेक्ट करके, तो वो भी आप जो है अभी ग्रो कर सकते हैं, और जेरेनियम की भी अच्छे कलर वैरायटी मिल जाते हैं। इसके अलावा आप जो है डालिया का जो है सीड्स अगर रखे हैं कलेक्ट करके, तो डालिया का सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा डालिया का जो है बल्ब होते हैं, तो बल्ब से भी डालिया जो ग्रो हो जाते हैं, कटिंग से भी हो जाते हैं, लेकिन सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है गुलदाउदी का फ्लावर प्लांट जो है सीड्स अगर रखे हैं तो वो भी जो है सीड से ग्रो हो जाते हैं, और जो है कटिंग से भी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, और इसमें जो है कलर वैरायटी भी अच्छे मिल जाते हैं, बहुत सारा कलर इसमें गुलदाउदी का मिल जाते हैं। अभी ये जो है विंटर फ्लावर में जो है फर्स्ट फ्लावरिंग यही फ्लावर से जो शुरू होते हैं विंटर फ्लावर का, तो ये आप जो है ग्रो कर सकते हैं सीड से, और इसमें बहुत सारा कलर भी मिलते हैं और फ्लावर का वैरायटी भी बहुत सारे मिलते हैं, खास करके स्नोवेल जो है होते हैं गुलदाउदी, वो भी आप कर सकते हैं, और छोटे साइज का भी जो है गुलदाउदी का प्लांट बहुत फ्लावर होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अब इस फ्लावर को जो है अभी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी। बहुत आदमी तो है जो कटिंग जो है ग्रो कर लिए होंगे कटिंग से, तो आप ये फ्लावर को अपने गार्डन में अच्छे से जो है जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप विंटर फ्लावर में और भी बहुत सारा फ्लावर है, जैसे कि आते हैं आगे हॉली हॉक का फ्लावर है। इसके अलावा आप हॉली हॉक अब लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत देखने में लगते हैं, और ये जो है सीड से ही ग्रो अच्छे ग्रो होते हैं। तो आपको अगर सीड्स अगर कलेक्ट करके रखे हैं तो आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, और इसके भी बहुत सारा कलर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आप सिनेरेडिया लगा सकते हैं, ये भी बहुत अधिक मात्रा में फूल देते हैं, ये भी जो है आप अभी इसका सीडलिंग कर सकते हैं, और ये भी अच्छा से ग्रो हो जाते हैं। तो सिनेरेडिया भी आप अपना गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेंजी का फ्लावर जो है सीड से ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत विंटर फ्लावर है, और इसमें भी बहुत सारा कलर वैरायटी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप जो है पेंजी भी अपना गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है एंथूरियम जो है ये भी खूबसूरत एक विंटर फ्लावर है। ये एंथूरियम का फ्लावर सीड सब अगर आप कलेक्ट करके रखते हैं तो ये सितंबर महीने में आप सीडलिंग कर देते हैं तो ये भी बहुत अच्छे से जो है ग्रो हो जाएंगे। आगे है जो जेब्रा हॉली हॉग है, ये भी है जो ये भी बहुत अच्छे से फ्लावर देते हैं, पूरा जो है प्लांट भर जाते हैं। इसका भी आप जो है सीड से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, अभी सितंबर महीने में आप सीडलिंग कर देते हैं तो ये जो बहुत अच्छे से सीड से ग्रो हो जाएंगे। इसके अलावा ये है स्टॉक के फ्लावर, ये भी खूबसूरत है, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, इसमें भी कलर वैरायटी आते हैं, कई तरह से कलर मिल जाएंगे। तो इस फ्लावर को भी अब जो है सीड से अभी सितंबर महीने में अगर सीडलिंग कर देते हैं स्टॉक फ्लावर को, तो विंटर में आपको ये आपका गार्डन में शोभा बढ़ाने में बहुत जो मदद करेंगे, और ये भी जो है बहुत खूबसूरत फ्लावर होते हैं। इसके अलावा आप जो है मैरीगोल्ड लगा सकते हैं, जो विंटर का आप राजा बोल सकते हैं। मैरीगोल्ड का भी कलर आते हैं, 2-3-4 किस्म का जो है कलर आते हैं ऐसी। इसके अलावा जो जाफरी जो है होते हैं गेंदा का,